है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम नहीं है व्लॉग स्टार्ट करने का, बॉस पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अब और लेट नहीं होंगे, चलते हैं जल्दी से। बॉय रेडी? हाँ बता दो। खुशी रेडी है? यस। तनु तो बता रेडी है? आई एम आल्सो रेडी। गाइस हम कहाँ जा रहे हैं ये तो सरप्राइज है, आप वहीं चल कर देख लेने का हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर वॉशरूम यूज करते हैं और चलते हैं। सो गाइस अभी दिन के 9 बज रहे हैं और हम यहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि हो चुका है। अब यहाँ से चलते हैं। सो गाइज अभी हमने लिया है एक ब्रेक क्योंकि पापा गए हैं शॉप पर। गाइज एक्चुअली गो की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, वोमिटिंग हो रही थी, तो पापा उनके लिए वोमिटिंग की टेबलेट लेने गए। ये दोनों तो अपना अलग ही लग रहे हैं फोटोशूट करने के लिए। लगता है कि सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड और हम जा रहे हैं हरिद्वार। पापा भी आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ओम घाट पर और ये जो ओम है ये हाल ही में बना था। बाकी मुझे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये। गाइस हम यहाँ पहुंच तो गए हैं लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। पहले तो 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, अब यहाँ पर खड़े हैं। ये देखो हमारी कार भी यहीं खड़ी है, पार्किंग मिली नहीं रही है। पार्किंग तो मिल गई थी, अब हमारा प्लान है यहाँ आकर नहाने का। चलो फिर हमने वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। सो गाइस अभी हम नहाने के लिए किसी जगह ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल सही हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और फिर हम बहुत देर तक चलते रहे, फिर जाकर हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ हम नहा सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम इस जगह पर नहाने वाले हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और यहाँ सामने एक टाइम टावर भी है जहाँ पर हम टाइम देख सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले जाएंगी बुआ, मम्मी, तनु और खुशी और उसके बाद फिर हम तीनों। सो गाइस इनका तो हो चुका है,
अब बारी है मेरी, पापा की और मोहित की। चलते हैं और नहाते हैं। सो गाइज, नहाकर तो आ चुके हैं और गाइज ये देखो वॉल पर कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। और फिर हम गए एक ढाबे पर, वहाँ पर हमने रोटी, चावल, कढ़ी, दाल और पनीर खाया। सो गाइस, अब ढाबे पर भी खाना खा लिया है, अब हमारा प्लान है घूमने का। सो गाइस, हम फाइनली निकल चुके हैं ढाबे से। तो गाइस ये देखो यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम रुके एक चप्पल की दुकान पर, यार इतनी दूर आए वो भी सिर्फ चप्पल खरीदने, क्या यार। सो गाइस, अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे बैग की बीच में चैन ख़राब हो गई है, तो अभी इसमें हमको जुगाड़ कर रहे हैं पिन लगा कर। सो गाइस, हम यहाँ चैन ठीक कर रहे हैं और इन्हें देखो ये अपना शॉपिंग पर ही लगी हुई। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं एक हैट की दुकान पर, यहाँ पर बहुत सारी हैट हैं लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा रोप वे में जाने का प्लान है, वहाँ से वापस आकर लेंगे। और कैसे लेंगे ये? ऐसी ले लो, ऐसे टाइप की। ये कौन पहन रहा है? हाँ पापा कह रहे हैं कि रेड वाली हैट ले लो। और उसके बाद हम चले आगे की तरफ, लेकिन बुआ जी को दोबारा से ज्वेलरी की शॉप दिखी और फिर वो वहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए रुक गई बुआ और मम्मी। लेकिन छोड़ो यार, हम यहाँ पर जूस पी रहे हैं, बेल पत्थर का बहुत अच्छा जूस मिलता है। सो गाइज, अब हम बैठे हैं वेटिंग में, रोप वे की टिकट तो हमने ले ली थी लेकिन अब वेटिंग में बैठना पड़ेगा, पिछले आधे घंटे से हम वेटिंग में बैठे हैं। सो गाइज, वेटिंग एरिया का पीछे ये झरने टाइप कुछ है, यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और इसके बिल्कुल टॉप पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है। सो गाइज, अब हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर और ये देखिए टॉप से व्यू क्या मस्त आ रहा है और यहाँ पर खड़े होने में बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ से पूरा वेटिंग एरिया जो है वो दिख रहा है इधर तक का। और ये वीडियो पापा ने नीचे से खड़े होकर बनाई थी, ये देखे। नहीं गाइस, ये क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने ज़ूम कर दिया। और गाइस, ये वाली फोटोज पापा ने नीचे से खींची थी और ये वेटिंग एरिया की फोटोज हैं।